भुला कर सब समस्याएं, जपो हनुमान सीता राम। जो जप लोगे हृदय से सारे बिगड़े काम हो जाए। राम जी से जब त्रेता की बात करते हैं तो राम जी के ये परम मित्र परम भक्त कहे जाते हैं। प्रथम बार हनुमान जी की और राम जी की मुलाकात कब होती है? प्रथम बार उनका जब बाल रूप था तो जो भोलेनाथ हैं उनके आराध्य भगवान विष्णु और उनके जितने अवतार उनके आराध्य हैं, और जब उनको मालूम हुआ कि भगवान ने अयोध्या में अवतार ले लिया है। जब भगवान का जन्म हुआ तो शिवजी इनको मिलवाने के लिए ले गए थे अयोध्या, और उस समय ये बहुत छोटे थे प्रभु। ये वहाँ पहुँचा, लेकिन उनका डरावना रूप भोलेनाथ का ओघाड़ा, तो मैंने कहा यार कि भगवान की सेवा करने कैसे मिलेगी। पहुँचे वहाँ पे तो नहीं, चलो बाबा बहुत डरावने हो, आगे जाओ तुम भाई, तुम यहाँ क्या कर रहे हो भाई। तो ये अपने साथ जो है अपने स्वरूप बंदर को बाल रूप में लेके आए, उसका डांस दिखाने लगे मदारी का। और जब शिव जी ने मिलवाया राम जी से तो राम जी को देख करके, इनको देख करके बड़े मोहित हो गए और बहुत प्रसन्न हो गए। तो वो जो इज्जत करते हैं कि हमको बंदर चाहिए, तो बंदर वो उनको राजा आज्ञा हुई, बंदर दे दो आप, जो कछु चाहिए जो पैसा चाहिए लो हमसे। तो वो तो चाहते ही थे कि तुम बंदर लो हमारा, हम तो खुद ही बंदर हैं। तो वो उनकी सेवा में छोड़ के उनकी सेवा करें, उनके साथ खेलें कूदें, उनकी बाल लीला का आनंद उठाते थे वो, इसलिए भोलेनाथ उनको छोड़ गए थे वहाँ पे। वो उनका स्वरूप है, उनका रुद्र है, और अपने रुद्र रूप में उनने जो है उनकी बाल लीला का पूरा आनंद लिया, जितना ले सकते थे उससे ज़्यादा। फिर बाद में जब जो है जब विश्वामित्र जी जो है उनको लेने आए, जंगल में अशांति मची हुई थी, ऋषि मुनियों को जो है नशाचर लोग मार काट रहे थे, उनको पूजन हवन नहीं करने दे रहे थे जैसे आजकल होता है, तो कोई ना कोई आता ही है चाहे मोदी दादा आ जाए तो उस समय विश्वामित्र जी उनको ले गए, तो भगवान ने कहा कि अब इनका कोई काम नहीं है। तो उनने उनको बोला हनुमान जी अब आप जाओ, अब जब हमें आवश्यकता पड़ेगी तीव्र तो फिर सबसे पहले आप हमसे मिलने आओगे, और वहाँ से दोनों अलग अलग हो गए।